अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हजी नसीर लियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट टू की। तो जी इंशाल्लाह अकाउंटिंग जो आईकॉम पार्ट टू की है, इसके आपको तमाम चैप्टर जो हैं पेपर के लिहाज से जो इम्पॉर्टेंट है वो करवाए जाएंगे, और आपको फिर इसके इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसके इम्पॉर्टेंट गेस भी चैनल पर दिए जाएंगे, इसकी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस और इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, यानी कि पेपर की कह लेंगे पूरी तैयारी आपको आईकॉम पार्ट वन पार्ट टू दोनों की ही इंशाल्लाह करवाई जाएगी। तो आइए जी आज जो हमारे पास जो शुरू करते हैं, जो बुक मैं आपको दिखा दूं, ये इसका पुराना एडिशन है, अब नया एडिशन आ गया। बस क्या किया उन्होंने, टाइटल चेंज कर दिया, ठीक है जी। ये नया जो बुक है, नई बुक है, उसका जो टाइटल है वो ओल्ड कलर का है, लेकिन ये जो है ये ब्लू कलर की है। उसके अलावा अंदर से जो क्वेश्चंस हैं वो सारे सेम ही है, एक एक वैल्यू जो है इसकी वो उन्होंने डबल कर दी है। इनके फ़र्ज़ करो कहीं पे 1000 है तो उसको उसने 2000 में चेंज कर दिया, बस ये किया है। बुक आपकी सारी यही है, उन्होंने कह दी महंगाई हो गई है, इसके भी रेट बढ़ा दें, बस वैल्यू डबल की है और कुछ भी नहीं किया। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो चैप्टर आता है ना, इसका चैप्टर नंबर वन आईकॉम पार्ट टू का, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट जो रिकॉर्ड्स है इसको हम सिंगल एंट्री भी कहते हैं। इस चैप्टर का जो ये लेक्चर है, ये बेसिक लेक्चर है, ये हर बच्चा जो है ना बड़े ध्यान से करेगा, इसको अपने पास नोट कर लेगा। जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये लेक्चर अगर आपने कर लिया तो नेक्स्ट जितना भी आगे चैप्टर आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे ही आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएंगे। तो आइए जी इस चैप्टर में जो मेन चीज़ें तीन बनती हैं, वो तीन चीज़ें मैं आपको बनानी सिखाऊंगा और उसमें बताऊंगा क्या क्या चीज़ें उसके अंदर क्या क्या मटेरियल आएगा। तो ये जो लेक्चर है पहला, ये बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी बुक है ना उसका पहला लेक्चर आपने हमेशा अकाउंटिंग का खास तौर पर जो पहला लेक्चर होता है जिसमें बेसिक चीज़ें करवाई जाती हैं, वो हर बच्चे के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। तो आइए जी सबसे पहले जो इसमें पहले नंबर पर जो चीज़ बनेगी वो है जी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। दूसरे नंबर पे भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनती है इसमें, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब दोनों सेम है, लेकिन ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, दोनों में फर्क क्या होगा? जब हम पहली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे तो वो हम बनाएंगे ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए। अगर ओपनिंग कैपिटल उसने हमें दिया ना होगा तो फिर हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग बनाएंगे। अगर ओपनिंग कैपिटल वो हमें दे देगा तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये नहीं हम बनाते। दूसरे नंबर पर हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जो ये है ये बनाएंगे क्लोजिंग कैपिटल के लिए। क्लोजिंग कैपिटल जो है ना तकरीबन हर क्वेश्चन में फाइंड ही करना होता है, तो क्लोजिंग कैपिटल जो है वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो बनाएंगे इसको, इसमें से हम इसका जो आंसर है ना क्लोजिंग कैपिटल का वो फाइंड करते हैं। अब ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में क्या फ़र्क होता है? देखिए अमूमी तौर पर जो साल के शुरू में दिया होता है ना, जो साल के शुरू वाला जो डाटा होता है ये जनवरी से शुरू होता है, जनवरी से, और ये एंड ये इसका इसकी जो डेट होती है वो मूवी तौर पर दिसंबर होती है। तो यहाँ फिर ये अगर मार्च में होगा, इसकी मार्च डेट होगी, तो इसकी जो डेट होगी ये अप्रैल होगी, क्योंकि मार्च से 2015 में ये मार्च से शुरू होगा और 2016 में ये अप्रैल पे एंड होगा, ठीक है जी। इस तरह ये जनवरी 2000 कह लें 22 है, तो ये दिसंबर भी 2022 रहेगा, क्योंकि ये सेम ईयर में शुरू हो रहा है जनवरी टू दिसंबर। देखिए अकाउंटिंग ईयर जो है ना हर बिज़नेस के अलग अलग होते हैं, एक जनवरी टू दिसंबर होते हैं, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ये तो सीधा सीधा पहले महीने से 12वें महीने तक चलते हैं। बाद क्या करते हैं अपना मार्च में सेशन शुरू करते हैं और अप्रैल में जाके एंड कर लेते हैं। उसके बाद दूसरे बाद दफ़ा शुरू होते हैं जुलाई से, और जुलाई से फिर नेक्स्ट अगले साल जून तक एंड होता है इसका जाके। तो इस तरह यानी कि अकाउंटिंग ये चलते हैं। तो आपने इसको देख लेना, इसको देख के सवाल को आपने पहले देख लेना कि ओपनिंग का डाटा कौन सा है, क्लोजिंग का डाटा कौन सा है,
ओपनिंग कैपिटल कौन सा है अगर दिया होगा सवाल में तो क्लोजिंग कैपिटल भी बात हुआ। कई सवाल हैं जिसमें दोनों दे देता है, उसमें ओपनिंग क्लोजिंग फाइंड करना मेन चीज़ आपका पहला स्टेप ये होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो हम फाइंड करेंगे, तीसरे नंबर पे वो हम फाइंड करेंगे इसका जो मेन पार्ट है इसका प्रॉफिट। तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं इसे, या इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे इसकी तीसरे नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसको बाद सब हम इनकम स्टेटमेंट भी अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं इनकम स्टेटमेंट, ये जी हमारे पास बन जाएगी। ये क्यों बनाई जाती है यार, इसके नाम से जाहिर है कि इससे हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करते हैं। लेकिन ये तीन चीज़ें जो है ना मेन, वो मैंने आपको बता दी इस चैप्टर में, ये तीन मेन चीज़ें बनेंगी। फिर दोबारा रिपीट कर लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग कह सकते हैं आप, ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए बनाई जाती है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग कह सकते हैं हम, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए बनाई जा सकती है। और तीसरे नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रॉफिट ही फाइंड करने के लिए बनाई जाती है। अब मैं आपको इन तीनों के परफॉर्मे बना के बताता हूँ कि किस तरह इनके परफॉर्मेंस बनते हैं, उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन शुरू करवाएंगे। तो आइए जी इसको शुरू करते हैं। ये देख लें जी, डस्टर भी मेरे पास है, डस्टर से रेज करूँगा ना तो ये देखें ऊपर इसके निशान पड़ जाते हैं ब्लैक ब्लैक, तो इसलिए मैंने कपड़ा रखा होता है। ये कपड़ा भी इधर थोड़ा अच्छा मैंने रखा हुआ है इसके लिए, बोर्ड स्पेशल साफ़ करने के लिए। बच्चे अक्सर वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे होते हैं सर डस्टर भी ले लें, या फिर कहते हैं एक ने तो किया था कि सार को कि डस्टर ही ले दे। तो ऐसी कोई बात नहीं, डस्टर मेरे पास होता है, बस ये है कि कपड़े से जो है ना मैं ज़रा ईजी रहता हूँ, इससे कह रहे जोर थोड़ा कम लगता है और जल्दी ये साफ़ हो जाता है और होता भी सही साफ़ है। तो आई जी अब इसका जो है ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों का परफॉर्मा एक जैसे ही होता है, बस उसका डेट वगैरह का फ़र्क होगा। तो मैं एक परफॉर्मा बनाऊंगा जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग दोनों आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले आप जब परफॉर्मा बनाएंगे सबसे पहले ऊपर नेम लिखा जाता है, तो नेम जब जो भी नेम दिया होगा वो आपने इधर लिख लेना है। नेम लिखने के बाद आप लिखेंगे फिर यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और इसके नीचे डेट लिखनी है आपने एज ऑन जो भी डेट दी होगी 31 दिसंबर 2022, जो भी डेट आपको उसने दी होगी वो डेट आपने यहाँ पे लिख लेनी है। मैं फर्जी डेट फिलहाल इधर आपको दिखाने के लिए लिख देता हूँ एज ऑन 31 दिसंबर, ज़्यादातर क्वेश्चन में दिसंबर ही होती है 2022। अब जो नई बुक है 2022 यानी कि उसमें आ रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके नीचे लगा देनी है लाइन इस तरह, और फिर आपने इधर भी एक लाइन ऐसे लगा देनी है, यहाँ पर भी आपने ऐसे इसको बढ़ा के थोड़ा, तो ये ऐसे इसकी लाइन लगा देनी है। ठीक है जी, ये इसका परफॉर्मा बनेगा हमारे पास। सेंटर में आप इसका हाफ़ कर ले, ये हाफ़ हो गया। इस साइड पे एक अमाउंट का हम कॉलम रख लेते हैं, एक इस साइड पर रख लेते हैं। ये हमारे पास इसका परफॉर्मा आ गया। ये आपने सारा मार्कर के साथ लिखना है, ब्लू से लिख लें ब्लैक से लिख लें अपनी मर्ज़ी है। ये भी जो मैं लिखने लगा हूँ ये भी आपने मार्कर के साथ लिखना है एसेट्स, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और यहाँ पर आपने लिखनी है अमाउंट, यहाँ पर हम लिखेंगे लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ये चीज़ें जो है ना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे नंबर आपके कट जाते हैं, इसको आपने बड़े ध्यान से परफॉर्मा जो है ना खूबसूरत करके बनाना है, प्रेजेंटेशन आपने क्वेश्चन की अच्छी करनी है। तो ये चीज़ें आपने मार्कर के साथ लिख लेनी है। अच्छा, इस सवाल में एसेट्स सारे इस साइड पे आएंगे, लाइबिलिटीज़ इस साइड पे आएंगी, तो बाद में टोटल काट के आप इसका आंसर निकाल लेंगे। बड़ा सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन होता है, ये इतना मुश्किल नहीं होता। जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ना फाइनल अकाउंट, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, वो तो बिल्कुल कह लें उससे भी आसान है ये। तो सबसे पहले मैं आपको एसेट लिखवा देता हूँ कौन कौन से इस सवाल में ज़्यादातर आते हैं। कैश इन हैंड आ सकता है, कैश एट बैंक आ सकता है, उसके बाद फर्नीचर आ सकता है, ये सारे एसेट्स हैं। उसके बाद बिल्डिंग आ सकते हैं ये इसमें,
मशीनरी आ सकती है। उसके बाद इसमें आ सकते हैं डेटर्स, स्टॉक आ सकता है इसमें। लेकिन ये तकरीबन मैक्सिमम मैंने हर चीज़ लिख ली है जो इस चैप्टर में आपको ज़्यादातर यही आएंगी। इसके अलावा मे भी कोई और एक आधा आ जाए प्लांट, हाँ जो प्लांट एंड मशीनरी होता है लग भी आ सकता है आपको इस तरह। तो ये इनमें से आपको यानी कि ये एसेट्स आएंगे, एसेट आपने इस साइड पर लिख देने, उनकी अमाउंट वगैरह लिख देनी है। इस साइड पर हमारे पास ज़्यादातर जो आते हैं क्रेडिटर आते हैं, क्रेडिटर्स जो हमने इनके पैसे देने होते हैं। ज़्यादातर एक ही चीज़ होती है उधर, या फिर कोई और इस तरह पे आ जाए, कोई लाइबिलिटी आ जाए, जैसे इधर आ जाती है रेंट ड्यू हो जाता है, कोई चीज़ है बी इनके पेएबल है, कोई भी चीज़ अगर पेएबल होगी वो आ जाएगी, या लोन आ जाएगा, लोन लिया होगा किसी से भी फ्राम बैंक हो सकता है, फ्राम मिस्टर ए हो सकता है, किसी से भी जो लोन लिया होगा वो भी आएगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन वो भी इसके अंदर ही आप लिखेंगे। तो इसके ये चीज़ें मैक्सिमम क्रेडिट साइड पे आ सकती हैं। लोन लिया होगा तो उसके अंदर भी आप ऐड करके लिख सकते हैं इंटरेस्ट, और इसको लैदा से भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जी आपने क्या करना है, इसका टोटल कर देना है नीचे, इसको क्लोज कर देना। आपने क्लोज करने के बाद आपने अमूमी तौर पे हमेशा तकरीबन इसका ये वाली साइड बड़ी होती है, तो आपने क्या करना है, बल्कि एसेट साइड, एसेट साइड में से आपने, एसेट साइड बड़ी होती है, एसेट साइड में से ये लाइबिलिटीज़ वगैरह माइनस करनी है। तो इधर ये इसका आएगा टोटल आ गया, तो टोटल में से आपने क्या करना है, ये एसेट वैसे बड़ी, ये साइड बड़ी होती है, एसेट साइड ज़्यादा होती है, एसेट्स में से आपने ये क्रेडिटर रेंट रेंट और लोन वगैरह माइनस करने हैं। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो इसी साइड पर लिखना जाएगा आपका कैपिटल, ठीक है जी, कैपिटल के पैसे आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का सेम यही परफॉर्मा होगा, हर चीज़ तकरीबन यही होगी, बस फ़र्क क्या होता है, फ़र्क देख लें। अब ओपनिंग कैपिटल जब हम बनाएंगे ना, उसमें किसी भी किस्म की कोई भी वर्किंग नहीं होगी, जो डाटा उसने हमें दिया होगा हम सेम टू सेम लिख लेंगे और बना के यहाँ से निकाल देंगे। जब क्लोजिंग बनाएंगे ना, क्लोजिंग वाला जब भी बनाएंगे तो उसके अंदर एक दो वर्किंग आ जाती है, वो कहता है डेप्रिसिएशन निकालना फर्नीचर में से, बिल्डिंग में से, मशीनरी में से, या डेटर इतने बैड डेट्स हो गए हैं, या फिर वो कह देता है जी प्लांट की डेप्रिसिएशन निकाल दे, यानी कि जो वर्किंग आएगी ना वो हमेशा क्लोजिंग में करते हैं, ओपनिंग में आपने किसी किस्म की कोई वर्किंग नहीं करनी होगी। ये जी ये हमारे पास आ गया इसका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब हम बनाते हैं इसकी प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट कहते हैं आप, इनकम स्टेटमेंट। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसका मैं आपको पूरा फार्मूला लिखवा देता हूँ, वही हर सवाल में आपने अप्लाई करवाना है। जी नेम तो हम उसी तरह ऊपर ऐसे लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इसका लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। और इधर आपने लिखना है फॉर द ईयर, फॉर द ईयर ईयर एंडेड, वहाँ पर उन दोनों पे आपने लिखना है एज ऑन, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पर आपने एंडेड लिखना है क्योंकि ये बनती ही साल के एंड पे है, और जबकि आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जब बनाएंगे ना उसके आप फॉर द ईयर एंडेड हो ही सकता, क्योंकि ओपनिंग अगर बनाएंगे तो वो तो साल के पहले महीने में बनती है, तो वो तो साल का महीना भी शुरू हो रहा तो वो एंड नहीं ना हो रहा, वहाँ पर आपने एज ऑन ही लिखना है। तो इधर आप लिखेंगे 31 दिसंबर 2022, ले जी। अब इसका परफॉर्मा आप देख लें, सिंपल सही है, इसको यहाँ से ऐसे क्लोज कर लेते हैं, यहाँ से इसको ऐसे लाइन लगा के एक कॉलम इसका ये बना लेते हैं हम इधर ऐसे, ये परफॉर्मा इसका इतना सही है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल,
यहाँ आपने थोड़ी बड़ी लाइन लिखनी हो कैपिटल एट द एंड ऑफ द ये लिख सकते हैं हम। उसके बाद इसके नीचे आप क्रॉस लगा दें, ये फ़र्ज़ करें इसकी वैल्यू है। उसके बाद आपने करनी होगी ऐड ड्राइंग्स, ऐड ड्राइंग्स, ड्राइंग जितनी भी दी होंगी वहाँ वो आपने यहाँ पर लिख लेनी है। क्वेश्चन जब आपको कराएंगे ना इसकी साथ साथ वर्किंग आपको बताते जाएंगे। उसके बाद फिर आप लेस करेंगे फ्रेश, ये नाम देखते जाएँ फ्रेश फर्दर न्यू एडिशनल फ्रेश फर्दर न्यू एडिशनल कैपिटल, इन सब में से आ जाए तो ये हमारे पास फ्रेश कैपिटल ही होता है, ठीक है जी। अब इसकी वर्किंग यहाँ पे करने के बाद आपने इसको माइनस कर देना है, बस ड्राइंग्स ही ऐड होनी है, बाकी सारी माइनस चीज़ें होनी है नीचे। उसके बाद ये जो आंसर आ गया फ्रेश, उस आपने इसमें से माइनस करना है लेस क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल जो होगा आपने इधर इसको लिख के इसको माइनस कर देना। माइनस करने के बाद ये इसका आंसर आ जाएगा। और एक वर्किंग और है, वो शाज़ो नाज़री किसी क्वेश्चन में आती है, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है जिस सवाल में भी होगी वो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना लिखना होगा। इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने माइनस करना है, माइनस करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास इधर आ जाएगा नेट प्रॉफिट, या नेट लॉस भी आ सकता है। प्लस में आंसर आएगा तो नेट प्रॉफिट होगा, तो यहाँ अगर माइनस में आंसर आएगा तो वहाँ पर होगा नेट लॉस। और इसके नीचे आपने डबल लाइन ज़रूर लगा देनी है, डबल लाइन का मतलब है कि क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्लोज हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है ना, ये देखें हमारे पास क्लोजिंग भी है, फ्रेश भी है, ओपनिंग भी है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ना मिस्टेक हुई है, यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल आएगा ना, क्लोजिंग ऊपर आ गया, ऐड ड्राइंग हो गई, लेस फ्रेश फर्दर न्यू एडिशनल कैपिटल हो गया, फिर उसके बाद ओपनिंग कैपिटल हो गया, उसके बाद फिर लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उसका आंसर आएगा उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देना, फिर उसके बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। इसका प्लस में आंसर आएगा तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में आएगा तो लॉस लिखेंगे, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है ये जिस सवाल में आएगा उस सवाल में मैं आपको इसकी वर्किंग करवाऊंगा कि किस कैपिटल के ऊपर हम इंटरेस्ट निकाल लें, ओपनिंग पे निकाल लेंगे, क्लोजिंग पे निकाल लेंगे, फर्दर पे निकाल लेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके ऊपर ही हम इनके इसको करेंगे। आज का जो लेक्चर है ना, ये आपका पहला जो लेक्चर है आपका, ये बेसिक लेक्चर आपका इसके ऊपर ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर आपको इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो आपने क्या करना है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसका बेल आइकॉन ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट जितने भी लेक्चर आएँ आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते जाएँ। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।